विवेकानंद रतलाम जी के पास ब्रेक से पहले जामी साहब ने कई बातें रखी और उन्होंने कई इल्जाम भी रखे और वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष के उन आरोपों का समर्थन ही करते नजर आ रहे हैं विवेकानंद रतलाम जी, जो कि बरम होकर के आज दिन भर से हम हिंदुस्तान के विपक्ष को, अपोजिशन को देख रहे हैं। हाँ इमरान जी, देखिएगा मुझे बताइए, जो ट्रंप साहब को, प्रेसिडेंट ट्रंप को जाहिल कह रहे हैं उनकी औकात क्या है? वो एक हैदराबाद के एक गली के या एक शहर के एक नेता, विश्व की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द मोस्ट, क्या कहते हैं उसको, कि द प्रॉस्परस डेमोक्रेसी, उसके प्रेसिडेंट को, उसके हेड को कह रहे हैं कि वो जाहिल है। इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंडोर्स किया और वो बात उनके उनके उनको सही से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आप देखिएगा कि जो टाइम मैगजीन में मोदी साहब को लेकर के जो वो लेख आया था, डिवाइड इंडिया डिवाइडेड इन चीफ, इनमें से यही सारे लोग थे, ये कह रहे थे कि कैसे देखो मोदी डिवाइडेड इन चीफ बना। तब इनके लिए टाइम मैगजीन जो था वो इनका एक रैलिंग क्राय बन गया था, इनका एक महत्वपूर्ण वो एक प्लेटफॉर्म बना था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अटैक करने के लिए। तो ये हमेशा पिक एंड चूज होता है। दूसरी बात, उन्होंने ट्रेड निगोशिएशन की बात कही। डिप्लोमेटिक निगोशिएशन में कभी भी एब्सोल्यूट गेन्स नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि वहां पर आपको ट्रंप या फिर अमेरिकन शासक लोग जो है वहां पर आपको देने के लिए टेबल पे बैठे नहीं है। वो भी अपने इंटरेस्ट में निगोशिएशन क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद टेक्सस को हमने जो चुना उसके लिए ट्रेड और दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दोनों भी चीजें महत्वपूर्ण है। ट्रेड, टेक्सस को एनर्जी का हब कहा जाता है, एनर्जी को लेकर के जो भी निगोशिएशंस हुए हैं, एनर्जी का हब कहा जाता है, एनर्जी को लेकर के जो भी निगोशिएशंस हुए हैं, पेट्रोनेट कंपनी जो भारत की कंपनी है उसके साथ बहुत सारे एमओयू साइन हो गए हैं जो भारत के पक्ष में है, और उसके उसको लेकर के जो भी एफडीआई है भारत में आएगा। दूसरी बात, हमें टेक्सस की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखना होगा। टेक्सस पहले मेक्सिको सिटी का हिस्सा हुआ, मेक्सिको कंट्री का हिस्सा हुआ करता था, और 1994 में पीवी नरसिम्हा राव साहब जब टेक्सस में गए थे तो उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था कि जब टेक्सस मेक्सिको सिटी से अलग होकर के वो आपके साथ ज्वाइन करने की जब उसने बात की तो आपके जुडिशियरी ने, हाईएस्ट जुडिशियरी ने कहा कि उसने जब यूनाइटेड स्टेट्स में सम्मिलित होने के हस्ताक्षर किए हैं उस संधि पर, तो वो पूरी तरह से इनडिसोल्युबल वो हस्ताक्षर हुए हैं, इस प्रकार से वो अमेरिका का हिस्सा बन गया है। उसी हिसाब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर ने भारत में जब साइन किए थे वो इनडिसोल्युबल साइन है, इसीलिए इंडिया के हिस्से में जो भी कश्मीर है उस पर तो निगोशिएशन हो ही नहीं सकते हैं अगर इसके बाद में कोई टॉक होगा, जैसे जयशंकर साहब ने कहा है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि ये जो निगोशिएशन होंगे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होगी, भारत में जो कश्मीर है उस पर बात हो नहीं सकती, पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब दूसरी बात ये भी देखिएगा कि इसके पहले जब भी हमारे वजीर आजम जाया करते थे, प्राइम मिनिस्टर्स जाया करते थे, तो वो एक तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या ट्रेड निगोशिएशंस को लेकर ही बातें होती थी। पहली बार आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वे जब भी बाहर गए हैं ये स्ट्रेटेजिक और ट्रेड निगोशिएशंस के साथ साथ उन्होंने कल्चरल डिप्लोमेसी और साथ ही में इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने की बात की। ये कोई पहला एड्रेस नहीं है, मैडिसन स्क्वायर में 2014 में, सिलिकॉन वैली में 2016 में, अब उसके बाद में आप देखेंगे कि विमली में हुआ है, उसके बाद में सिडनी में हुआ है, और ये जो हाउडी मोदी प्रोग्राम था, इट्स अ विक्ट्री ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। आप देखेंगे कि वहां पर वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते कि वी विल टुगेदर फाइट टू रूट आउट द इस्लामिक टेररिज्म फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप, वो जब कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वही कहते हैं, मुझे लगता है कि एक बात मैं कहूंगा कि ठीक है जमीन साहब, मुझे थोड़ा सा बात कहने दीजिए, मैं आपकी सुन रहा था। तो आप देखिएगा कि जब मोदी और ट्रंप मीटिंग में जब बात होती है तो एक इक्वल पार्टनर्स में बात हो रही है वो प्रतीत होता है। जब वो इमरान खान और वो ट्रंप साहब जब बात करते हैं पता चलता है कि एक कोई मांगने आया है और उसको उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं, और उनके जो ट्रेंड जर्नलिस्ट है जो बार बार जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेकर उनको सवाल पड़े तो बोलते कि वेयर डू यू गेट दिस काइंड ऑफ रिपोर्टर्स, उन्होंने कहा कि आई लाइक दिस रिपोर्टर। वो बहुत ज्यादा सार्कास्टिक थे, व्यंग कर रहे थे, और इसलिए ये जो अंतर है कि ट्रेड और एड में
पाकिस्तान एड मांगने जाता है, हम ट्रेड करने जाते हैं, जब इक्वल पार्टनर्स निगोशिएटिंग टेबल्स पर होते हैं तो एक रिस्पेक्ट के साथ निगोशिएशंस होते हैं, और ये जो एड मांगने जाते हैं तो उनको उसी प्रकार से ट्रेड किया जाता है। तो जामे साहब क्यों ना कहें कि मोदी के मुरीद हो गए हैं ट्रंप।